अगर दोस्तों आप लोग भी 2023 के अंदर एक बेस्ट टैबलेट बाय करना चाहते हैं 20,000 रुपए के बजट के अंदर, तो आप लोगों को ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 ऐसे बेस्ट टैबलेट के बारे में जिनके अंदर आप लोग गेमिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों आप लोग ऑफिशियल काम के अंदर भी इनको यूज कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना अगर आप लोग भी एक बेस्ट टैबलेट बाय करना चाहते हैं 2023 के अंदर। दोस्तों हमारी लिस्ट काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बाकी दोस्तों हमारी लिस्ट में पहले नंबर का टैबलेट आता है Realme Pad X टैबलेट। इस टैबलेट के अंदर दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो 5G सपोर्टेबल देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 10.95 इंच की फुल एडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो की आप लोगों को 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को प्रोसेसर की बात की जाए तो ये आप लोगों को स्नैपड्रैगन 695G प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगा। बाकी इसके अंदर आप लोगों को एक कैमरा भी देखने को मिल जाएगा जो की 8 मेगापिक्सल का होने वाला है। बाकी इसके स्टोरेज की बात की जाए तो ये स्मार्ट टैबलेट आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैटरी बैकअप की, तो इस टैबलेट के अंदर आप लोगों को जो बैटरी देखने को मिलने वाली है वो आप लोगों को 8,340 mAh की देखने को मिलने वाली है। बाकी इसके साथ आप लोगों को एक फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप लोगों को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा। और बात करें प्राइस की तो ये आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 19,999 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का टैबलेट आता है ओप्पो पैड एयर। दोस्तों इस ओप्पो के टैबलेट के अंदर आप लोगों को काफी अच्छी खासी फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, तो इस टैबलेट को तो आप लोग जरूर बाय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों टैबलेट की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को 10.36 इंच की बिग डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। बाकी इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 680 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, और इसके अंदर आप लोगों को जो फ्रंट कैमरा होगा 5 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है और 8 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिलेगा। स्टोरेज की बात की जाए तो ये आप लोगों को जो टैबलेट होगा 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ तो 15,000 रुपए के अंदर देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों अगर आप लोग 128GB स्टोरेज लेना चाहते हैं तो ये आप लोगों को 19,000 रुपए के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अंदर आप लोगों को 7,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर के टैबलेट के बारे में, तो वो आता है दोस्तों मोटोरोला का मोटोरोला G70 टैब। दोस्तों इस टैबलेट के अंदर आप लोगों को सबसे पहले तो पूरे 11 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके अंदर आप लोगों को गेमिंग प्रोसेसर की बात की जाए तो MediaTek Helio G90 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का इसका फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा और 13 मेगापिक्सल का इसके अंदर आप लोगों को बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। बाकी स्टोरेज की बात की जाए तो ये स्मार्ट टैबलेट आप लोगों को 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। इसके अंदर आप लोग को एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है और 7,700 mAh की इसके अंदर आप लोगों को बैटरी देखने को मिल जाएगी। बाकी प्राइस की बात करें तो ये आप लोगों को 19,999 के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हमारी लिस्ट में चौथे नंबर का टैबलेट आता है सैमसंग गैलेक्सी टैब। इस टैबलेट के अंदर दोस्तों आप लोगों को काफी अच्छी खासी क्वालिटी देखने को मिलने वाली है, तो इस वीडियो को तो जरा भी मिस मत करना। बाकी इस टैबलेट के अंदर आप लोगों को 10.5 इंच की फुल एडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, और स्टोरेज की बात की जाए इस टैबलेट की तो ये आप लोगों को 4GB रैम और 64GB स्टोरेज के साथ देखने को मिलेगा। यह दोस्तों एक वाईफाई टैबलेट होने वाला है और इसके अंदर आप लोग 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी स्टोरेज को। बाकी इसके अंदर आप लोगों को पूरे 7,000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और इसके साथ 15W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की, तो ये आप लोगों को अमेजोन के ऊपर 16,999 के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब दोस्तों मेरी लिस्ट में जो लास्ट और पांचवें नंबर का स्मार्ट टैबलेट होगा वो होगा दोस्तों रेडमी का, जिसका नाम है रेडमी पैड। इसके अंदर दोस्तों आप लोगों को 10.61 इंच की फुल एडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके अंदर आप लोगों को 2K रेजोल्यूशन सपोर्टेबल देखने को मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिलने वाली है डिस्प्ले। बाकी इसके अलावा प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर आप लोगों को MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जिसको कि यह एक गेमिंग टैबलेट बन जाता है। बाकी इसके अंदर आप लोगों को 8,000 mAh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है, और स्टोरेज की बात की जाए तो इसके अंदर आप लोगों को 4GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप लोगों को 18W का फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आप लोगों को पूरे 21 घंटे का वीडियो बैकअप भी देखने को मिल जाता है अगर आप लोग इसके अंदर वीडियो देखते हो तो। बाकी ऑल ओवर बात करें तो बजट के हिसाब से यह सबसे परफेक्ट टैबलेट होने वाला है अब तक का। बाकी इसकी प्राइस की बात करें अमेजोन के ऊपर तो आप लोगों को रेडमी का टैबलेट अमेजोन के ऊपर 16,999 के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 5 ऐसे बेस्ट टैबलेट जो कि आप लोगों को 2023 के अंदर 20,000 रुपए के बजट के अंदर बिल्कुल परफेक्ट देखने को मिलते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाने से पहले वीडियो को लाइक भी कर देना। बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।